स्वागत है आप सभी का शर्मिष्ठा एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त रोहन, और आज इस वीडियो के लेक्चर में मैं आप लोगों को खोटा साहित्य की ओद दीदा नामक कहानी के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर जो कहानी है उस कहानी का नाम है ओद दीदा, और इस कहानी की रचना की गई है विनोद कुमार के द्वारा, जो इसके लेखक हुए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पात्र के बारे में कि इसके सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से पात्र हैं। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर है जिनका नाम है रेशमी। रेशमी है चानो वाली की बेटी। उसके बाद दूसरी है चानो वाली रेशमी की माँ है। हेमिया रेशमी की दोस्त है, और दूसरी जो दोस्त है उनका नाम है सुगिया। गांव के सारे लोग रेशमी की माँ को चानो वाली के नाम से पुकारा करते थे। एक गांव है, उस गांव में जितने सारे भी लोग थे वे रेशमी की माँ को चानो वाली के नाम से पुकारा करते थे। जितने सारे भी लोग थे वो रेशमी की माँ को चानो वाली बोलते थे, क्योंकि वह चानो गांव की निवासी थी। तो अब उसके बोलने के पीछे में क्या कारण था? तो कारण यह था कि जो रेशमी की जो माँ थी वह चानो गांव की रेसिडेंट थी। इस कारण से जितने भी जो पीपल थे उस गाँव के सारे पीपल जो है इसकी माँ को चानो वाली के नाम से बुलाया करते थे, जिसके कारण सारे लोग उसे इसी नाम से जानते थे। तो चूंकि वह चानो गांव की निवासी थी तो यह मेन कारण था उनको इस नाम से पुकारा जाने का। हेमिया और सुगिया रेशमी की दो दोस्त थी। और उन दो दोस्तों का नाम था हेमिया और सुगिया। चानो वाली मन से साफ सुथरी महिला थी। तो चानो वाली एक ऐसी महिला थी जिनके मन में किसी भी तरह की गलत भावना नहीं थी, छल कपट नहीं थी। वो मन से जो है बिल्कुल साफ सुथरी थी, अच्छे विचारधारा की महिला थी। वो उनकी जो मानसिकता थी वो काफी अच्छी थी। चानो वाली ने अपने जीवन में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए उसे दोष दिया जा सके। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि चानो वाली एक ऐसी महिला थी जो कि काफी अच्छी विचारधारा की महिला थी। तो उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया, कभी भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके उनके ऊपर में किसी प्रकार का दोष लगाया जा सके या उन्हें कुछ बोला जा सके। महतो के घर से उनको कपड़े और भोजन मिल जाया करते थे। जो चानो वाली थी उन्हें महतो के घर से भोजन मिल जाया करती थी, और साथ साथ में उनको कपड़े भी मिल जाया करते थे। उनकी बेटी रेशमी और बेटा कोल्हा था। तो उनकी एक बेटी थी, उस बेटी का नाम था रेशमी, और उनका बेटा था, बेटा का नाम था कोल्हा। साथ ही एक और बेटी जीरवा थी। तो रेशमी के अलावा एक और भी बेटी थी और उस बेटी का नाम था जीरवा। चानो वाली महतो परिवार की एक अंग बन चुकी थी। और एक और चीज यह है कि जो चानो वाली थी वो महतो परिवार के एक अंग के रूप में थी। एक वह जो थी वो चानो वाली महतो परिवार की एक अंग बन चुकी थी। जब कभी भी शहर से महतो परिवार के बच्चे वापस लौटते हैं, अपने से बड़े सारे लोगों के पैर को छूते थे। तो महतो परिवार के जो बच्चे थे वो शहर से वापस लौटते थे। तो जब कभी भी वो बच्चे जो है शहर से वापस लौटते थे तो घर में जितने भी बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते थे, उन लोगों के पैरों को छूते थे। लेकिन उसके पैरों को कोई नहीं छूता था, लेकिन चानो वाली के जो पैर थे उसे कोई छूता नहीं था। एक बार इस कहानी के लेखक शहर से घर पहुंचे हुए थे। तो इस कहानी के जो राइटर है वो एक बार शहर से घर पहुंचे थे। उन्होंने चानो वाली के पैरों को नहीं छुआ, और जब वो शहर से घर पहुंचे तो उन्होंने चानो वाली जो थी उनके पैरों को लेखक ने नहीं छुआ। लेखक को एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई। लेखक ने सेल्फ रियलाइज किया कि उनसे जो है कुछ गलत चीज हो गई। उन्हें उनके पैरों को छूना था लेकिन उन्होंने पैरों को नहीं छुआ, और अगली बार अवसर मिलने पर वह जरूर उनके पैरों को छुएंगे। और लेखक ने सोचा कि अगली बार जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं डेफिनेटली उनके पैरों को छूऊंगा। चानो वालों की मृत्यु हो गई। लेकिन आगे चल के क्या होती है कि चानो वाली की मृत्यु हो जाती है, और लेखक को उनके पैर छूने की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। और लेखक के दिल में जो भावना थी कि जब कभी भी मुझे मौका मिलेगा तो वो चानो वाली के पैर को छुएंगे, ये उनकी इच्छा जो थी वो अधूरी रह गई। ये उनकी इच्छा पूरी हो नहीं पाई। निर्मल महतो को चानो वाली माँ ने अपना दूध पिलाया था। निर्मल महतो जो थे उन्होंने उनको चानो वाली माँ ने अपना खुद दूध पिलाया था। और कुल मिलाकर यह जो है एक दुखांत कहानी है। यह कहानी है तो इसमें दुख को दिखाया गया। इसका अंत जो होता है वो दुख के रूप में हो रहा है। यह दुखांत भरी कहानी है। तो ये थी ओद दीदा कहानी की सबसे महत्वपूर्ण चीजें। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हुए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।